आज हम लोग क्रॉस मैदान पर हैं। मेरा नाम नौशाद खान, हमारे साथ एक ये 12 साल का बच्चा है जिसका नाम रुझान है, जो लेग स्पिन सीखने यहाँ पर आया हुआ है। उसका आज फर्स्ट डे है। साथ में आपका नाम आयुष सिंह है, जो भी लेग स्पिनर है और वो डालता है। आपकी एज कितनी है? 16 एज है इनकी। और साथ में ये कुछ बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक आपको अच्छा बॉलर बनने के लिए, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे फिंगर स्पिनर हो, चाहे लेग स्पिनर हो, उसमें कई एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नेचुरल एबिलिटी के अलावा। नेचुरल एबिलिटी के अलावा आपको आपका फिटनेस, आपका मेंटल टफनेस, आपका मैच टेम्परामेंट और साथ साथ में आप किस तरीके से, कितना जल्दी आप पिकअप करते हो उस चीज़ को, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे टेक्निक की। टेक्निक के अंदर आपको बॉलिंग के अंदर लेग स्पिनर के लिए स्पेशली आपका ग्रिप, आपका रनअप और आपका रिलीज, ये तीनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो स्पेशली जब लेग स्पिनर की बात करते हैं हम लोग, तो लेग स्पिनर जो होता है T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे डेज हो, इसमें ज़्यादातर आपने देखा एक शेन वॉन का टाइम था। शेन वॉन जो है वो बहुत अच्छे बॉलर थे, ग्रेट बॉलर थे, लेकिन उनका जो रनअप था वो स्मूथ था, चल के आते थे, वॉक करके आते थे। लेकिन फिर आपने नया देखा कि राशिद खान को है जिनका रनअप तेज़ है, ठीक है। तो हमको, अगर आप छोटे बच्चे को आप कोचिंग कर रहे हो, बेसिकली जब रुझान जैसा बच्चा आता है जिसकी एज 12 साल है, तो उसमें कई एक चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये जो बॉल है, ये डबल कलर का बॉल हो। नंबर टू, इसका साइज छोटा हो, क्योंकि ये अंडर 14 है, 12 अंडर 12 है। नंबर थ्री, ये जो डिस्टेंस होता है आपका 66 फीट होता है, 22 यार्ड, उसकी जगह पे 21 यार्ड होना चाहिए, यानी कि 63 फीट, जिससे ये अच्छे से बॉल छोटा होगा ग्रिप कर सकेगा, डिस्टेंस छोटा होगा तो अच्छे से रोटेशन करेगा, फिनिश करेगा। साथ साथ में आपको कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों चाहिए अच्छा बॉलर बनने के लिए, और दोनों ही चीज़ें एक साथ आती है, और वो इसलिए वो जब आती है जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, इनफ प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद फिर आप जब आप अच्छे बॉलर बन जाते हो, आपका स्टॉक बॉल होता है उस पर आप ध्यान देते हो, तो उसके बाद फिर आपको टेक्निकली कई एक वेरिएशन है इसके अंदर, जैसे गुगली है, फ्लिपर है और टॉप स्पिन है। लेकिन क्योंकि हम छोटे बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर एक बेसिक बॉलिंग जो एक्शन होता है उस पर बात करेंगे, नेचुरल एक ग्रिप होता है जो लेग स्पिनर का, उस पर बात करेंगे। बाद में आप टेक्निकली के साथ में, टेक्निकली जैसे आप T20 खेलते हो, तो वाइड बॉल में आप ड्यू में बॉलिंग डालते हो, तो उस वक्त आप टेक्निकली कौन सी लेंथ पे कौन सी स्पीड में डालना है, वो आपको वहाँ जाके आपको नेक्स्ट स्टेप पर एडजस्ट करने आना चाहिए। फिलहाल हम लोग बात करेंगे ग्रिप की। लेग स्पिनर का जो ग्रिप है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो आप इसको सिमिलर राइट हैंड की तरफ देख सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो बॉल है लेग स्पिनर का, इसके अंदर आपके फिंगर, लास्ट वाली फिंगर या थर्ड फिंगर, इसका काम और ये जो थंब का काम ज़्यादा होता है, साथ साथ में रिस्ट का भी इसमें हेल्प होता है, और साथ साथ में आपका हिप रोटेट होता है, पिवट होता है आगे वाला पैर, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा स्पिन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए ये आपका ग्रिप है राइट हैंडर में, ये वाली जो फिंगर होती है इससे बॉल को आप रोटेट करते हो, और आपकी पोजीशन जो होती है वो 11 o'clock की तरफ से होनी चाहिए, 11 बजे। तो आप जो नॉर्मल फिंगर स्पिनर होते हैं, उन लोगों का जो बॉलिंग स्ट्राइड है वो छोटा होता है, जो नॉर्मल फिंगर स्पिनर होते हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनका छोटा होता है, ऑफ स्पिनर है उनका भी छोटा होता है, अलाइनमेंट भी एक जैसा होता है, लेकिन लेग स्पिनर का जो स्ट्राइड उनसे थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा से क्रॉस जाते हैं ये इस तरीके से। और बॉल जो है वो 11 बजे से आपको आना है लेके, और ये वाला हिप उठा के इस तरीके से रोटेट करना है बॉल के साथ में। सीम जो पोजीशन है वो आपको गली की तरफ रखना है, थर्ड स्लिप की तरफ, सेकंड स्लिप की तरफ रखना है, और स्टॉक बॉल पे ही काम करना है मैक्सिमम। आपको वेरिएशन पे भी अगर काम करना है आगे चल के, तो आपको स्टॉक बॉल नहीं भूलना है अपना, उस पर कमांड और कंट्रोल होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें कॉन्फिडेंस और कंट्रोल ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आती है। नंबर दो, हमेशा आपको अपनी वीडियोस रखना है।
तो एग्जैक्टली जब आप डबल कलर बॉल और वहां से जब आप बॉलिंग की वीडियो निकालते हो तो आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि आपका जो है वो बॉल जो है रिलीज पॉइंट जो है वो बाहर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिस्ट पोजीशन क्या है, सीम पोजीशन क्या है। रोटेशन के लिए डबल कलर आपको गाइड करेगा कि आपका रोटेशन कैसा है। उसके बाद फिर आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दे सकते हो, जैसे कि आप पीछे एक बार कैमरा दिखा सकते हो कि वहां पर दो कोन रखे हुए राइट हैंडर के लिए। वापस आ जाओ। अब हम बात करेंगे रनअप के ऊपर। आपने देखा होगा कि शेन वॉन जो थे, ग्रेट शेन वॉन, वो वॉक करके आते थे और लास्ट मोमेंट पे उनका स्ट्राइड होता था, रिलीज होता था अच्छा और वो डाल लेते थे। क्योंकि रुझान बहुत छोटा है, इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि वो अच्छे मोमेंटम से भाग के आए, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। अगर मोमेंटम अच्छा रहेगा तो उससे और थोड़ा सी बाहर से आए, हल्का सी लेग स्पिनर, आप फिंगर स्पिनर सीधा आ सकता है कम स्ट्रेट करके, क्योंकि अलाइनमेंट अच्छा चाहिए उसके लिए, वो कर सकता है बॉलिंग। लेकिन क्योंकि लेग स्पिनर के पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद गुगली है, थोड़ा सी स्लाइटली रुझान खड़े रहूँ, यहाँ से अगर आएगा तो ज़्यादा बेटर है, ताकि वो क्रीज का कोना क्लोज टू द स्टम्प आके भी आप पिवट कर सकते हो। और गुगली डालने के लिए आप थोड़ा सी क्रीज का यहाँ से भी यूज कर सकते हो। तो दोनों एंगल के लिए आपको थोड़ा सी बाहर से आओगे तो ज़्यादा एडवांटेज है। और उसके अलावा ये सब बताने के बाद भी आपको एडजस्टमेंट करने आना है लाइफ में, एडजस्टमेंट करने आना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको समझना है, सीखना है, और जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, कंट्रोल आएगा और उसके अंदर आप इंजॉय करोगे। अदरवाइज बैट्समैन इंजॉय करेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हम लोगों ने बताया। तो एक बार फिर रुझान मेरा पास बताओ, ये ग्रीप है, ठीक है, ये वाली जो फिंगर है आपकी ये थोड़ा सी कम करना है, ये वाली फिंगर जो है रिस्ट को थोड़ा सी अंदर की तरफ पकड़ना है, थोड़ा लूज रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा टाइट रखोगे तो बॉल अच्छा रिलीज नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा उसका, रोटेशन कम हो जाएगा। ये वाला फिंगर जो है वो ये रिस्ट है, इसके साथ में आपको ये पोजीशन में यहाँ पर जिस तरीके से कॉकिंग करना है, उसके बाद फिर जब रिलीज करेगा तो यहाँ सीधा होगा, इसकी पोजीशन ये हो जाएगी और इस फिंगर से आपको पुश करना है, बॉल को रोटेट करना है, तो ऑटोमेटिकली बॉल इस तरफ जाएगा मिडल स्टंप से या और लेग स्टंप से आपका टर्न होके स्लिप में, स्लिप पॉइंट पे, और टॉप एज लगने के भी चांस ज़्यादा है। साथ साथ में अगर आपको रफ एरिया, रफ विकेट मिलती है तो आपको फिर वहाँ एडजस्ट करने आना है कि आपको कितना बॉल अंदर डालना है, कौन सी लेंथ पे करना है। अलग अलग टाइप के बैट्समैन को, अलग अलग टाइप के अपोजिशन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को कौन सी लाइन और कौन सी लेंथ में डालूँ, कितना विकेट में टर्न है, क्या कंडीशन क्या बोल रही है, बॉल में शाइन कितना है, बॉल कितना पुराना है, ये हो गई आगे चल के टेक्निकली अपनी प्लानिंग होती है, उसके ऊपर काम करना है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको शेयर करें। थैंक यू।